जोहार झारखंड, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय 14 रत्न प्राप्त हुए थे। बलि के राज्य में दैत्य दानव अति प्रबल हो गए थे और दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवराज इंद्र शक्तिहीन हो गए थे। ऐसी स्थिति के निवारण के लिए देवता विष्णु के पास पहुँचे। उनके सुझाव पर देव और दानव ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से क्रमशः कालकूट, एरावत, कामधेनु, उच्चैःस्रवा, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, मदिरा, चंद्रमा, शारंगधुरा, शंख, गंधर्व और अमृत निकला। कल्पवृक्ष देवलोक का एक वृक्ष है। इसे कल्पद्रुप, सूरतरु, कल्पतरु, देवतरु तथा कल्पलता इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। जब कल्प वृक्ष समुद्र मंथन से निकला तो इसे देवराज इंद्र को दिया गया। देवराज ने इसकी स्थापना सूरकानन में कर दी थी। हिंदुओं के मान्यता के अनुसार कल्प वृक्ष से जिस वस्तु की याचना की जाए वही यह देता है। इसका नाश कल्पांत तक नहीं होता है। तुब्बा नाम से एक पेड़ का वर्णन इस्लामी धर्म साहित्य में भी मिलता है जो अदन में फूलता फलता है। कल्पतरु को अंग्रेजी में बुआबाब और इसका बोटनिकल नेम डांसोनिया डिडिटाता है। यह एक दुर्लभ प्रजाति का वृक्ष है जो डंडा में है। इसे वन विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है।